एमएलसी का चुनाव हो रहा है, हम सब नंबर वन पे जा रहे हैं। और ये आपके बनारस का चुनाव है, चंदौली का, भदोही का, जो मेरे लोकसभा के अलावा पूरे प्रदेश में ये जो चुनाव है, भाजपा के टक्कर में तो कोई है ही नहीं है। इतनी इस समय हम सब हर जगह देखते चले आ रहे हैं और शायद एक दो जगह कोई जाए जाए नहीं, तो फिर इतना विकास के मुद्दे पे लोगों का रुझान जा रहा है कि हम इस समय नंबर वन। वाराणसी स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी के चुनाव को लेकर ये दावा आपने सुना, आप ये नारा। वाराणसी स्नातक प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुदामा पटेल के कुछ यहाँ समर्थक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम बात करते हैं और जानते हैं क्या किस तरह की लड़ाई हो रही है। मनोज दुबे जी हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं क्या स्थिति है, किस तरह की लड़ाई डिग ब्लॉक में और पूरे वाराणसी क्षेत्र में चल रहा है। भाई साहब, यहाँ पे लड़ाई तो आप देख ही रहे हैं, लड़ाई एक तरफा है। सुदामा पटेल जी काशी प्रांत के मंत्री हैं, मोदी आदित्य योगी ने उन्हें उतारा है, तो इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। चंदौली है, बनारस है, आपके भदोही है, एक तरफा जो है बीजेपी का लहर है और सुदामा पटेल भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं और कोई लड़ाई में है नहीं। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहता है, निश्चित है कि प्रधान बीडीसी भाई उनके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए सभी लोग एक मत होकर भाजपा को वोट किए हैं और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। हर हर महादेव। रहेंगे तो अच्छा ही होगा, कहीं खराब तो होगा नहीं। जी जी और इस बार लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि विकास को मुद्दा मान करके लोग यहाँ वोटिंग कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, पहली बार तो नहीं है ये, हमेशा से ही उस पर होता रहा है, इस बार भी वही होगा। लोग जानते हैं यहाँ के भी कौन काम करता है कौन नहीं करता। यह अलग अलग दावा भाजपा और निर्दल प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह की ओर से किया गया, फिर चुनाव में रोमांच और अधिक चढ़ बढ़ गया। देखिए समर्थकों ने क्या कहा अन्नपूर्णा सिंह की जीत के दावे के साथ। सम्मानित प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सम्मानित जिला पंचायत सदस्य और तमाम हमारे क्षेत्र के सम्मानित नागरिक पूरे उत्साह के साथ इस महापर्व में अपना सहभागिता दे रहे हैं और माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह जी को अपना वोट दे करके जिताने का कार्य कर रहे हैं और कोई लड़ाई में नहीं है, एक तरफा लड़ाई चल रही है पूरे तीनों जिलों में। मोदी योगी जी जो ईश्वरीय पुरुष हैं, इनके प्रति आम जनमानस समर्पित है, हर एक जनप्रतिनिधि जानता है कि इन्हीं के माध्यम से विकास होगा, इन्हीं के माध्यम से हम अपना अपने क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं, विकास की धारा लिख सकते हैं। वो हर क्षेत्र में विकास दिख भी रहा लोगों को और इसीलिए हर जनप्रतिनिधि जो है वो बीडीसी हो या ग्राम प्रधान हो जानता है कि विकास के लिए जो धन आता है वह हमारी सरकारें दे रही हैं और अपने ग्राम स्तर पे या कहीं भी नगर स्तर पे सब जगह चौतरफा विकास करने का प्रयास किया जा रहा है और हम समझते हैं शरद बम तो भाजपा की तो है ही है और हम लोग जीतेंगे भी। क्या मानते हैं धनबल और बाहुबल का प्रभाव इस चुनाव में उसका कितना असर नज़र आया है? ये कभी कभी धनबल का प्रभाव पड़ता था और आज आपने देखा हो कई चुनाव में ऐसा भी रहा है, अभी हमें हमारा जो ये विधानसभा आम चुनाव रहा है उसमें देखा धनबल नहीं चल पाया, लोग ने सोचे थे हम लोग वोट खरीद लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने विवेक पे जो देख रहा है प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है ना हमारे लिए कौन बेहतर है, उनके आंखों में मोदी जी योगी जी दिखाई देते हैं, उनके सामने कमल का फूल दिखाई देता है, उनके सामने समझिए विकास दिखाई देता है, उनके सामने राष्ट्रवाद का चिंतन होता है। जब ऐसे लोग जब देख रहे हैं और चरितार्थ हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो लोग भ्रमित नहीं हो सकते और भ्रमित होने की कोशिश भी करेंगे उनके घर वाले भ्रमित नहीं होने देंगे, उनके दोस्त यार भ्रमित नहीं होने देंगे, तो एकदम मजबूती से और निश्चित आने वाला समय सुनहरे काल में लिखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है और हम लोग जीत हार के लिए नहीं, एक अच्छा कार्य करने के लिए काम करते हैं, एक राष्ट्रनीति पर काम करते हैं, राष्ट्रवाद पर काम करते हैं, विकासवाद पर काम करते हैं, जीत हार तो अपनी जगह। थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सत्यशील गुप्ता, जिन्होंने हर मसले पर बात किया है, चाहे वो धनबल रहो
बाहुबल हो पार्टी के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बात रही, जीत का दावा इन्होंने किया है। वो कहा है कभी कभी अपने लोग ये पॉलिसी होती है कि सामने वाले प्रतिद्वंदी के खेमे में भी शामिल हो जाते हैं, ये भी हमारी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। खैर देखा जाएगा 12 को मतगणना के तो हमारे साथ हैं युवा भाजपा नेता मनोज दुबे जी हैं। मनोज जी, दीघ, ज्ञानपुर, औराई और अब भदोही आप पहुंचे हैं, आपको क्या लग रहा है? भाई साहब, हमें क्या लग रहा है, स्वयं आप घूम रहे हैं, मीडिया वाले देख रहे हैं, आप लोगों को ये समझ में लग जाना चाहिए कि बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत चुकी है। जीत में कोई संदेह ही नहीं किया जा सकता। सुदामा पटेल हमारे प्रत्याशी हैं, वो जो कि काशी प्रयाग के मध्य से हैं। सुदामा जी कभी चुनाव हार ही नहीं सकते, स्वयं उन्हें बाबा जी ने लड़ाए हैं। मतदाताओं ने क्या कहा यह भी सुन लीजिए। विकास के मुद्दे पर वोटिंग कर रहा हूँ, जो कि कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की जो विकास का कायाकल्प पूरा बदल दिए हैं, उन्हीं को देख करके वोटिंग हम लोग कर रहा हूँ, विकास के मुद्दे पर कर रहा हूँ। आपका नाम? रविंद्र मिश्रा। रविंद्र जी, आज आपने वोटिंग किया है, किस मुद्दे पर वोट किया है? हम विकास मुद्दे पर वोट किए हैं और कई बार से यहाँ की मलसी है और हम जब चाहे हैं हमारा काम हुआ उनसे, इसलिए हम उनको वोट। आपका नाम? विजय सरोज। विजय जी, क्या रहा इस बार आप वोटिंग करने आए, कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो बहुत अच्छा लगा हमें वोटिंग करके, क्योंकि अभी पहली बार हम प्रधान चुने गए हैं। वाह। और कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव केदारपुर है। अच्छा, पहली बार चुने गए हैं प्रधान, पहली बार वोट किए हैं, तो अच्छा किस लिहाज से वोट किए हैं, क्या सोच के आपने वोट किया है? हमें देखिए विकास चाहिए और एक मेरा सबसे मतलब अहम मुद्दा है एजुकेशन, हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना है, जो हमें इनसे मिलेगा ये हमसे वादा किया गया है। इसके बाद जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी आरिका खौरी डीग में निरीक्षण करने को पहुंची। इसके बाद तो नज़ारा ही बदल गया। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों और सेक्टर मजिस्ट्रेट ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की तरफ से लगाए गए बैनर को हटाने की बात कही, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह कहते हुए अपनी बात रखी कि समाजवादी पार्टी के भी बैनर को हटवाया जाए, इसके बाद वो अपना बैनर हटा लेंगे। बहरहाल गर्मा गर्म बहस फिर शुरू हो गई। ये बहस लगातार चलती रही। इसी बीच सेक्टर मजिस्ट्रेट वहां पहुंचे और फिर क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। विमल कुमार दुबे जी है। इन सब के बीच ही मामला अचानक शांत हो गया। फिर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मतदाता किस कदर से मतदान को आतुर दिखे और कड़ी धूप में भी उनका कारोबार नहीं रुका और मतदान करने को अग्रसर रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कड़ी धूप, लेकिन मतदाताओं की दस्तक कुछ इस अंदाज में होती रही। फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, तब तक के लिए ऐसी बात मत करिए, ठीक है ना? मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
और भेज दीजिए, नहीं तो फिर इम्प्लीमेंटेशन आज की है ना, हम फोटो खींच कर भी भेज देंगे। और इसको अलाउड नहीं है, ये कैंप में आज के तारीख में पोस्टर बैनर अलाउड नहीं है, पोस्टर बैनर अलाउड नहीं है। प्लीज क्या करिए, विमल कुमार जी हैं, लाइन पर फिर अचानक मामला शांत हो गया। इसके बाद मतदाताओं की दस्तक एक बार फिर से शुरू हो गई। मतदाता कड़ी धूप में भी मतदेय स्थल पर रिकॉर्ड मतदान करने पहुंचते रहे। ये सिलसिला समर्थकों के साथ साथ तमाम लोगों के लिए खासा रुचिकर भी रहा कि मतदान का प्रतिशत रिकॉर्ड तोड़ रहा है।